अधिकतर समय जब हम लोग धर्म के बारे में बातें करते हैं, ईश्वर के बारे में बात करते हैं, अनेक प्रश्न जब हम लोग करते हैं ना, जैसे किसी सन्यासी को, किसी साधु बाबा को देखते हैं, तो ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकतर समय या तो कुछ कौतूहल होता है या समय काटे नहीं कटता है। रास्ते में जब ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, समय नहीं कटना चाहता है। ज्ञान ऐसे नहीं होता है। ज्ञान होता है जब आपने खुद से बहुत कुछ अर्जन किया है, आपने पढ़ाई की है, आपने चिंतन की है, आपने आलोचनाएं की है, करते 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 एक जगह पर पहुंच गए हैं आप, और उस जगह पर पहुंचने के बाद अब उस सीमा रेखा को आप पार नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग प्राय एक उपमा लेते हैं कि जब कोई क्रिस्टल बनाया जाता है किसी भी चीज का, तो पहले उसमें पानी लेते हैं या जिस द्रव में जाकर के वो घुलेगा उसको लेते हैं, और जिस चीज का बनाना है क्रिस्टल उसको उसमें डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। जब और नहीं जाएगा, जैसे फिटकरी बनाते हैं इसी तरह से बनाते हैं, फिर नीचे हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं, उसके बाद अगर डालेंगे ना और जाएगा तो वो अशुद्ध अशुद्ध फिटकरी है, और होते होते तो फिर इतना गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा होता है, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, वो गाढ़े से भी अधिक हो जाता है, और उसके बाद बाहर से एक शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध जब क्रिस्टल देंगे तो तुरंत उसके आसपास वो अंदर में जो पड़ा हुआ है ना, अपनी अशुद्धि को छोड़ करके शुद्ध चीज उसके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है। ऐसे क्रिस्टल बनाते हैं। ज्ञान बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे हम आप लोग देखिएगा, बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं, जान लगा देते हैं, बच्चा कुछ सीखता ही नहीं है। हम लोग भी नहीं सीख पाते थे, अरे कहां से सीखेगा। ज्ञान ऐसे थोड़े होता है। अब आप बोलना शुरू करेंगे कि देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है, अच्छा उसका बच्चा कितना अच्छा है। हम लोग अपेक्षाएं रखते हैं, हम लोग आशा करते हैं, लेकिन जो वास्तविक चीज है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कि जब तक ज्ञान की स्प्रिया उसके अंदर से नहीं आएगी तब तक आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते हैं। आप दो चार नई बातें उसके सर में डाल देंगे, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, डाल देंगे, लेकिन उससे ज्ञान कभी नहीं आएगा। जब उसके अंदर से वो इच्छा जागृत होगी, इच्छा कैसे जागृत होती है, जब वो खुद ब खुद उसको करना शुरू करता है। इसीलिए जो एक अच्छे शिक्षक होते हैं ना, कोई भी अच्छा शिक्षक जो होता है, वह उसके सामने ज्ञान का एक लालच रख देता है, यानी ज्ञान को लुभावना बना देता है। ज्ञान जब उसके लिए लुभावना बन जाता है तो वो धीरे 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 उसकी ओर दौड़ना शुरू करता है। वहां से जब अंदर में ज्ञान आना शुरू होता है, होते 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 तब जाकर उसके मन में कौतूहल होता है कि अच्छा ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और उसमें बस एक शब्द उसको देना पड़ता है, एक वाक्य उसको देना पड़ता है। तो जैसे हम लोग बचपन में बिल्कुल एक शाब्दिक ज्ञान, एक आक्षरिक ज्ञान हम लोग ले लेते हैं, थियोरिटिकल ज्ञान ले लेते हैं, धर्म और अध्यात्म के मामले में भी बिल्कुल हम लोग यही करते हैं। दो चार शब्द यहां से सुन लिए, दो चार शब्द वहां से सुन लिए हैं, और मन से बहुत सारी चीजें हम लोग तैयार कर लेते हैं अपने मन के अनुसार। ईश्वर के बारे में हमारी अपनी धारणाएं हैं, स्वर्ग नरक के बारे में हमारी अपनी धारणाएं हैं, मुक्ति के बारे में अपनी धारणाएं, सारी धारणाएं अपनी स्वयं की होती हैं, और बस इस गड्ढे से उस गड्ढे, उस गड्ढे से उस गड्ढे में गिरते रहते हैं। ज्ञान कभी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान का लक्षण होता है जब संसार की समस्याएं आप पर आएंगी ना, जब रोग शोक आक्रमण करेंगे आप पर, जब दुख एक राजा के समान अपनी सारी सेना के साथ आप पर आक्रमण करेगा, उसमें कैसे आप उसका सामना करते हैं। धर्म का सबसे बड़ा काम यही होता है, शोक और मोह। जिस चीज किसी चीज को अगर आपने खो दिया है उसके कारण में शोक होता है। घर में कोई मृत्यु हो जाती है, जिसे हम प्यार करते हैं वो मर गए, आपने किसी चीज को बहुत संभाल कर रखा है, चोरी हो गई, शोक होता है। और जो चीज हमारे पास नहीं उसे पाना चाहते हैं,
उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं, उसे मोह कहते हैं। जो वास्तविक धर्म होता है, ईश्वर ज्ञान होता है, इस शोक मोह रूपी शत्रु को सदा के लिए नाश कर देता है। दुख जो एक राजा के समान है, उसके मुख्य सेनापति ही शोक और मोह है। सारे दुख हमारे शोक और मोह से ही जन्म लेते हैं। आप थोड़ा सा अगर विचार करके देखें, कभी आपको जिंदगी में अगर दुख हुआ, कभी आप एक पूरी अपनी जिंदगी की ओर मुड़ करके देखिए, कभी आपको दुख हुआ है, कभी आपने आंसू बहाए हैं, कभी आपको आंसू बहाने का मन किया है, हर आपके हर आंसू के पीछे, आपकी हर निराशा, हर दुख के पीछे शोक और मोह है। या तो आपने कोई चीज खो दिया था, या किसी चीज को खोने का डर था, या किसी चीज को पाना चाह रहे हैं जिसे आप पा नहीं पा रहे हैं। सारी डिप्रेशन का मूल, अवसाद का मूल यही है। जब आपको नींद नहीं होती है, समझ जाइए शोक और मोह आपको आक्रांत किए हुए है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि मन बेचैन रहता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, समझ जाइए आप शोक मोह से आक्रांत हैं। आंसू ठंडे हो, आंसू गर्म हो, आंसू बाहर निकल रहे हो, आंसू हृदय के अंदर हो, सबके पीछे दुख के दो प्रधान सेनापति शोक और मोह रहते हैं। बस धर्म इसी का नाश करता है। जब आदमी सच में धर्म की ओर जाएगा, मन में जब जिज्ञासा उठेगी, पागल की तरह दौड़ेगा, पागल की तरह भागेगा, तब उसके मन में प्रश्न उठते हैं और तब वह गुरु के पास जाता है। कैसे जाता है? वेदांत में बोलते हैं तप शिरोवत। आपके सर में अगर आग लग गई हो, आपकी जो केश राशि है इसमें अगर आग लग जाए, तब आप कैसा भागेंगे? सोचिए तो, आपके केश में अगर आग लग जाए तो कैसे आप दौड़ेंगे? कहां पानिया पहले उसमें जाकर के जंप मारेंगे? जब धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में इस तरह से छटपटाहट हो, तब आदमी गुरु की ओर भागता है। और जब तक ऐसी छटपटाहट नहीं हो जो आपको अंदर से बेचैन कर दे, व्याकुल कर दे, तब तक ज्ञान होना संभव नहीं होता है।